पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी किरी गांव में जल महकमे ने पेयजल आपूर्ति बंद कर दी है। घरों में पानी नहीं आने से भड़की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कहा कि गांव में 6 माह पूर्व पेयजल योजना बनाई गई थी और विभाग 1 वर्ष पहले से ही पानी का बिल मांग रहा है। पानी आते आते 11 महीने हो गए। पहले एक बार बिल आया गया था, उसमें कुछ लोगों ने बिल दिया है, वो 200 रुपए प्रति महीना है। तो गांव वालों को ऑब्जेक्शन है कि बिल गांव के जगह, अगर हम गांव के क्षेत्र में रहे तो हमें गांव के हिसाब से बिल दें। हमें हम कुछ गांवों का हमें पता है कि कहीं 50 रुपए आ रहा है, कहीं 30 रुपए, पर हमसे पर परिवार 200 रुपए लिया गया, जो कि गांव वालों को ये लग रहा कि हमसे ये नगर के हिसाब से बिल लिया जा रहा है, तो इसलिए आधे परिवार ने यहाँ बिल दिया है, आधे ने नहीं। बिल भी अन्य गांव की तुलना में काफी अधिक है। ग्रामीणों ने बिल नहीं दिया तो जल महकमे ने पेयजल आपूर्ति बंद कर दी है। महिलाओं ने शीघ्र पेयजल आपूर्ति नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किरी गांव में पानी की लाइन बिछी थी और लगातार कंटिन्यू पानी आ रहा था, अब 8 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और पूछने पर वो बिल का हवाला दे रहे हैं। ये हमें 10 दिन पहले तो बता देते। कई लोगों ने बिल भी दे दिया है लेकिन कई लोगों ने नहीं दे रखा, इस संबंध में रह गए कि किस हिसाब से बिल दे। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में भावना लोहिया, मोनिका शाही, सुनीता सामंत, तारा बिष्ट, नीलम, भावना पुनेठा, पुष्पा शाही, हीरा देवी आदि शामिल थीं। जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मटियाल गांव के मुकेश कुमार ने गांव में ही मुर्गी पालन कर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाई है। मुकेश ने पशुपालन विभाग की मदद से गांव में ही मुर्गी पालन शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने 7 से 8 हजार मुर्गियों का फार्म खड़ा कर लिया। उन्होंने बताया कि वे जल्दी ही अपने फार्म में खुद ही हैचरी स्थापित करेंगे, जिससे वे गांव में ही चूजे तैयार कर लेंगे। मुर्गी पालन का काम करने वाले लोगों को भी चूजे उपलब्ध कराएंगे। के अंदर मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है और उसके अंदर मैं हैचरी मशीन और हटर डाल के अब खुद चिक्स बना के खुद मार्केट में सप्लाई करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुर्गी फार्म से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। उन्होंने गांव के कई अन्य लोगों को भी इस कार्य से जोड़ा है। फार्म का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पशुपालन विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोशी ने उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर पंकज जोशी ने कहा कि मनोज का कार्य सराहनीय है, इससे युवा प्रेरणा ले सकते हैं। पिथौरागढ़ खंड शिक्षा अधिकारी मोनाकोट के खिलाफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी ने बीआरसी भवन में अपना निजी आवास बना रखा है, जो नियमों के विरुद्ध है। उनके पति शासकीय कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी को हटाए जाने, बीआरसी भवन खाली कराए जाने की मांग उठाई। शिक्षा अधिकारी मोनाकोट जो है, उन्होंने जो बीआरसी भवन है उसका अपना आवास बना रखा है और उनके पति द्वारा जो है कार्यालय कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है और हमारे मिनिस्टर जो काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और उनका इतिहास काफ़ी अच्छा रहा हुआ है, उनके साथ बदतमीजी से दुर्व्यवहार से बातें कर रहे हैं, तो ये संगठन कति बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो अभी ADM साहब से भी मिले तो हमने उनसे भी यही कहा कि उत्तराखंड राज्य में जो है कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, जो आज एक बाहरी व्यक्ति हम उसको कहेंगे, उनके द्वारा यहाँ पर आकर के जो है एक हमारे कर्मचारी का उत्पीड़न किया जा रहा है और गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे कर्मचारी संगठन एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर से एसोसिएशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ज्योति कुमार पांडे की अगुवाई में कर्मचारियों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कार्यवाही नहीं होती
तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन चंद्र पाठक, उपाध्यक्ष नवीन चंद्र सिंह, संयुक्त सचिव पंकज सिंह खोलिया, संगठन मंत्री पुलकित भारद्वाज, कोषाध्यक्ष अनिल चंद, प्रचार मंत्री मनोज कुमार, शैलेश पंत, ललिता पांगती आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ एंचोली से आठगांव शिलिंग रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र के निकट अज्ञात लोगों ने मलबे और कूड़े कचड़े का ढेर लगा दिया है। इससे क्षेत्र का पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, आवागमन करने वाले लोग भी खासे परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने मलबे और कूड़े का ढेर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि कूड़े और मलबे का ढेर लगा दिए जाने से क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह पाल के एस्कॉर्ट पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की और कहा कि समस्याएं मुख्यमंत्री के सम्मुख रखी जाएंगी। क्षेत्रवासियों ने राजमहल को हेरिटेज बनाए जाने, एस्कॉर्ट कस्बे के लिए गोरी नदी से लिफ्ट योजना बनाने के साथ ही हर घर नल योजना के लिए स्रोत में पानी नहीं होने की समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने अपने ईष्ट देव मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष ने उन्हें स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट की। स्वागत करने वालों में ग्राम प्रधान बहादुर सिंह बिष्ट, पदम भंडारी, तरुण पाल, हिमांशु आनंद बल्लभ ओझा, महेश भंडारी, नारायण राम, अंजनी ओझा, योगेंद्र पाल, गणेश राम, संतोष मनोरा आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ कुमायचौड़ पतलदेव सड़क की हालत में सुधार किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण शनिवार को मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी भुवन पांडे की अगुवाई में अपर जिलाधिकारी से मिले ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण के 7 वर्ष बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ, सड़क जर्जर हालत में है, ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर अविलंब डामरीकरण कराए जाने की मांग की। अपर जिलाधिकारी से मिलने वालों में चंद्र प्रकाश पांडे, दीपक पांडे, प्रकाश पांडे, विजय सिंह, हरीश थापा, लक्ष्मण कुमार, संजय कुमार आदि शामिल थे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।